वेलकम बैक गाइस, एक न्यू वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर के बारे में, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर जो अगर आपकी वीडियो में जो है वो काफ़ी सारे कट लगे हुए हैं, तो आप किसी इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए एडजस्टमेंट लेयर बहुत ज़रूरी है। तो आपको एडजस्टमेंट लेयर जो है वो यूज़ करना आना चाहिए, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हमजा लतीफ़ और आप लोग देख रहे हैं डिजिटेक बार। ओके गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो है, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो है, तो उसके बाद ये है, फिर ये आ रही है, ठीक है। तो इनमें कट लगे हुए हैं सारी में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वीडियो है, तो हम कोई मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम सारी वीडियोज़ के ऊपर जो है डालना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ इफेक्ट्स में, आपको पता ही है यहाँ पर जाना है इफेक्ट्स में, और यहाँ पर मैं ब्लर सर्च करता हूँ ब्लर। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लर्स के जो ऑप्शंस हैं वो आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर जो गोजियन ब्लर है उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इस लेयर के ऊपर डालता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी मतलब के हुआ नहीं, शोर नहीं हुआ कि ब्लरनेस कहीं पर भी। तो हम यहाँ पर जाते हैं इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर जो गोजियन ब्लर है हमारा ऑप्शन, यहाँ पर हम ब्लरनेस को जो इंक्रीज़ कर देते हैं, आप जितना चाहे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 10% पे कर देता हूँ, तो अब देखें आपके जो वीडियो है वो थोड़ी थोड़ी ब्लर हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं तो वीडियो जो है ब्लर होगी। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या क्या चाहते हैं कि सारी वीडियो में, सारी लेयर में, जितनी भी लेयर्स हैं यहाँ पर, उन सब के ऊपर ये हो, ठीक है, इफेक्ट अप्लाई हो। तो उसके लिए आप लोग, एक तो ये मेथड है कि आप इसके ऊपर जाएँ, ठीक है, तो आप कंट्रोल सी करें और उसके बाद इसके ऊपर आएँ तो कंट्रोल वी कर दें, ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी आप आएँ और कंट्रोल वी कर दें। तो गाइज़ आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर जैसे आप कंट्रोल सी वी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ब्लर जो है वो ऐड हो रहा है। इसके ऊपर हमने ब्लरनेस नहीं ऐड की, ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, इन सबको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर भी डिलीट हो गया, इसके ऊपर भी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर है तो हम इसके ऊपर भी डिलीट कर देते हैं। तो एक तो मेथड ये था, ठीक है, ब्लरनेस को ऐड करने का। लेकिन गाइज इससे जो है वो आपको काफ़ी सारे मतलब के बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जाते हैं सर, पहले तो हम यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि आपको ये देख सकते हैं आप न्यू एटम का ऑप्शन है, ठीक है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस जिस यहाँ से हमने न्यू सिक्वेंस बनाई थी, ठीक है, तो और गाइस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू एटम में जाएं, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ही इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर की आगे सेटिंग्स, ठीक। तो यहाँ पर आप जो है अपनी वीडियो के हिसाब से जो आपने सिक्वेंस क्रिएट की थी उस हिसाब से आगे, जैसे कि हमने फुल HD की थी 1920, ठीक है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आगे, ठीक है। लेकिन आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी अगर आप कम करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी वीडियो जो आपने सिक्वेंस क्रिएट किया उस हिसाब से आगे। तो हम सिंपल इसके ऊपर ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक न्यू सिक्वेंस है वो आ गई, एडजस्टमेंट लेयर आ गई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एडजस्टमेंट लेयर को आप यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी वो शो हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में जाकर हम ब्लर के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास ये रहा गोजिन ब्लर, तो हम इस इफेक्ट को इसके ऊपर नहीं आपने डालना, इस ऊपर एडजस्टमेंट लेयर जो हमने ऐड किया उसके ऊपर आपने डालना। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, उसके बाद हम इसकी ब्लरनेस इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 15% रख देते हैं। तो अब हमारे ब्लरनेस जो है वो इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर है, जैसे कि मैं वीडियो यहाँ से आगे करता हूँ, प्लेहेड को यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर के आगे कर दिया, ठीक है, तो हमारी जो ब्लरनेस है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ब्लरनेस है। तो अब आप जो इस एडजस्टमेंट लेयर को जो इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ तक करता हूँ, ठीक है, तो अब इस एडजस्टमेंट लेयर वीडियो के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर है, ठीक है, लेकिन आगे नहीं है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आगे हो, और तो यहाँ पर भी कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया। इस तरह जो है वो आप अपनी सारी वीडियो के सारी जो लेयर्स हैं उनके ऊपर इस एडजस्टमेंट लेयर को जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि हमने इन सारी वीडियोस, ये सारी जो हमारे पास लेयर्स थी, इन सारी लेयर्स के ऊपर हमने इस लेयर को जो सारा इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारी जितनी भी वीडियोज़ थी उन सब के ऊपर ब्लरनेस ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ तक रख लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इसको आगे और पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि ये यहीं पर रहेगी, तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल
बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ब्लरनेस है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो गाइज इस तरह जो है वो आप एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो गाइज जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये इफेक्ट है तो हम यहाँ पर इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। डिसेबल करने के बाद तो गाइज यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं कलर। तो यहाँ पर हम ये वाला कोई कलर उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास होगा तो हम ये वाला कलर उठा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं बेसिक में, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है जैसे कि, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इतना इंक्रीज़ कर देते हैं तो थोड़ा और करते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो हम यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब ये इफेक्ट जो है वो हमारी इस वीडियो के ऊपर है। तो गाइज इससे क्या होता है कि हमारी जो नीचे वाली वीडियोस हैं, ठीक है, हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट करते हैं और अपनी एक अलग जो एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं उसके ऊपर हम अपने सारे इफेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी जो नीचे वाली वीडियो है हमें उसके ऊपर जो है वो कोई भी काम ना करना पड़े, ठीक है। तो हम अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर सारा काम कर लेते हैं। तो गाइज इस तरह जो है वो आप लोग भी एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मिलते हैं गाइज एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।